मराठी की डायरेक्टर फिल्म जवान रिलीज हो चुकी है। शाहरुख, नयनतारा, विजय सेतुपति है और साथ में रिद्धि डोगरा, सुनील ग्रोवर, जाफर सादिक, दीपिका पादुकोण का एक एक्सटेंडेड कैमियो और शाहरुख की टीम में जो लड़कियां हैं, प्रिया मनी, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, लहर खान, आलिया कुरेशी और गिरिजा ओक। एटली जो है एक मास डायरेक्टर है, तमिल फिल्म के डायरेक्टर है और इन्होंने ये पैन इंडियन फिल्म बनाई है, तो उन्होंने ना मास एंटरटेनर का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि फिल्म के पहले ही 2-3 मिनट में अच्छे से एस्टैब्लिश कर देते हैं, नो टाइम पास, स्ट्रेट टू द पॉइंट कि आपको क्या मिलने वाला है बाकी फिल्म में। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत सही है, सही टेम्पो सेट करता है और गाने भी काफ़ी फन। इनफैक्ट हमने लगभग हर गाने पर नाच किया है सिनेमा हॉल में सब मिलकर, बाकी लोग जो आए थे वो भी उठ के नाच रहे थे, तो बहुत ऐसे खुशी का माहौल था। तो वेल, स्टोरी पर आते हैं, इंस्टेंटली आपको ग्रिप करती है ये कहानी और जो एक्शन है बहुत स्टाइलाइज्ड है, स्लिक है, शार्प है, एक्टिंग के मामले में सब टॉप क्लास, एक से बढ़कर एक, हर एक एक्टर। और बहुत डिलाइटफुल है शाहरुख खान को देखना और उनके रेंज ऑफ इमोशंस को देखना, कभी वो सैड है, कभी उनमें बहुत ज़्यादा स्वैग है, कभी वो एक्शन कर रहे हैं, कभी वो एकदम पैशनेटली आपको कुछ समझा रहे, तो बहुत ही ज़्यादा उनका रेंज है इस पूरे फिल्म में। और ऑफकोर्स एक से बढ़कर दो बेहतर है ना, तो शाहरुख भी ऐसे डबल रोल में है। स्टोरी के मामले में भी आप आसानी से टाइमलाइन फॉलो कर सकते हो क्योंकि 2 जनरेशन में घटती है कहानी, तो आप समझ पाओगे कि क्या होता है और आप वो पूरा फॉलो कर सकते हो, तो बहुत कुछ होता है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ में स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर है, वो आप ज़रूर फील करोगे फिल्म में। एटलीस्ट 1 से 2 बार ऐसे होगा जब आप इमोशनल फील करोगे, आपकी आंखें भर आएंगी। और एक पावरफुल सोशल मैसेज भी है और एक पॉलिटिकल मैसेज भी है फिल्म में। सिर्फ एटली या शाहरुख खान की फिल्म नहीं है, सबको अच्छा स्पेस दिया गया है, उनकी कहानी को अच्छी तरह से जस्टिफाई किया गया है। पर्सनली बहुत सैटिस्फाइंग था नयनतारा, सान्या, दीपिका और जो बाकी महिलाएं हैं उनको एक्शन करते देखना, बहुत सही लगा। ऑल इन ऑल आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ देख सकते हो और 3 घंटे लाइफ और उसकी सारी मसले आप भूल जाओगे, एंटरटेन होके वापस आओगे। तो मेरी तरफ से तो हेड्स अप है, इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि मैं बाकी भाषाओं में देखना चाहती हूँ क्योंकि जो गेस्ट अपीयरेंसेस है अलग भाषाओं में अलग है, तो मैं शायद तमिल में जाकर फिर से देखना पसंद करूँगी। बट तो ये था मेरा जवान का रिव्यू। कैमरा के पीछे जतन और आप देख रहे हो ललन जॉब सिनेमा। शुक्रिया।